मैं दहशत गर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं इस वक्त बहराइच के रास्ते में कुछ मजलूमों की मदद की गरज से मैं निकली थी, लेकिन फखरपुर में मुझे इस पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर रोका गया है और इनका तर्क ये है कि वहां पर आज नहीं जा सकते क्योंकि माहौल खराब होगा। मेरे ख्याल से कप्तान साहब तशरीफ ला चुके हैं, मेरी उनसे अब बात होनी है। और ये लीजिए, माहौल जब शांत हो जाएगा तो आप जो है लगभग 10-12 दिन में माहौल शांत हो जाएगा, जो है जो आपको करवाना हो तो करवा लीजिए। हाँ, वो समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं जो है, लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो स्थिति जो है अनुकूल नहीं है। तो ये मेरा आप बहराइच में तो है, महाराज जो परिस्थिति सामान है, आइए बैठ जाइए, आप चलिए आइए, कुर्सी ले आइए, नहीं कुर्सी ले आइए, आप देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पर इन्होंने एक बिल्कुल छावनी जैसा बना दिया है और जो लोग मजलूम हैं मदद के नाम पर भी वहाँ इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि वहाँ माहौल खराब होगा। जब माहौल बैंड बाजा और जब आपत्तिजनक शब्दावली के साथ साथ वहाँ पर डीजे बज रहा था, उस वक्त पुलिस प्रशासन नहीं जागा था, एलआईयू नहीं जागी थी कि माहौल खराब होगा। लेकिन माहौल कब खराब होगा? जब आप वहां पर मजलूमों को और परेशान हाल लोगों को मदद पहुंचाने जाएंगे तो माहौल खराब होगा। इनको डीजे की आपत्तिजनक शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन इनको वो सुनाई दे रहा है जो यहां से लोग मदद करने जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और ये जो चुनाव के मद्देनजर ये जो कुछ खेल रच रही है सरकार, और जिस तरीके से अपनी नाकामी को और पीडीए को इन्होंने जो इग्नोर किया था और उसके बाद जो इनका हताशा हुई है इनको चुनाव में, ये सिर्फ उसका नतीजा है। लेकिन जनता जान चुकी है, पीडीए हमारे साथ है और हम सब लोग मिल करके इनको फिर से मजा चखाने के उसमें आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये आदर्श थाना फखरपुर का है, बेहद अफसोसनाक।